हेलो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिंग पे लेटर का पैसा आप बैंक अकाउंट में कैसे सेंड करेंगे, यानी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत सारे यहां पे प्रॉब्लम आ रहा था कि यहां पे क्या हो रहा था कि यहां पे पैसा पोस्टपोन यहाँ पर लिख रहा था, यानी जो यहाँ पे लिमिट जो दिया गया है पोस्टपोन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं आज ओपन किया हूँ तो यहाँ पे मेरा पोस्टपोन हटा दिया गया है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है, आपको बैलेंस को किस तरह से आपका यहाँ से पे लेटर का पैसा, रिंग पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो देख करके आप लुक उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन शो होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो देख करके आप लुक उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, रिंग पे लेटर को आपको अपडेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रिंग पे लेटर को यहाँ पे आपको रिंग लिखना है, यहाँ पे रिंग ऐप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रिंग एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मेरा में अपडेट आया हुआ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, आपको भी अपडेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपडेट होने देता हूँ। यहाँ पे कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है मेरा। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड है, वाईफाई यहाँ पे इंटरनेट स्पीड हाई है, तो इसलिए अपडेट जल्दी हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मेरा लिमिट था 5,000, तो यहाँ पर मैंने यूज किया, उसके बाद यहाँ पर फिर से वापस कर दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके यहाँ पर लिमिट मेरा बढ़ा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लिमिट अभी 6,640 रुपया दिखा रहा है। मैं यहाँ पे पैसा को ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका केवाईसी सारा कुछ कंप्लीट है या नहीं। सारा यहाँ पे कंप्लीट है तो आपको यहाँ पे आपको हो जाएगा ट्रांसफ़र। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं ट्रांजेक्शन में आपको मैं कितना बार ट्रांसफ़र किया हूँ, जो सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक करके किसी स्कैनर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप बैंक अकाउंट में यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज या बिजली बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज, गैस, यहाँ पे आपको वाईफाई के यहाँ पे रिचार्ज दिया गया, टेबल यानी टीवी का टेबल, यहाँ पे फास्टैग भी दिया गया, यहाँ पे मोबाइल लाइन रिचार्ज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यानी पे लेटर का पैसा, रिंग पे लेटर का पैसा आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप बैंक अकाउंट को लिंक करके यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अगर आप बैंक अकाउंट के यहाँ पे ऐड करके नहीं रखे हैं तो आपको बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे ऐड योर न्यू बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम से अकाउंट हो उसका नाम डालना है। उसका अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट किस तरह का, यानी सेविंग है, करेंट है, अदर है, ओवर ऑनर है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ, पहले से मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ अकाउंट को। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक वाले पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। चलिए मैं आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे 10 रुपये आपको ट्रांसफ़र करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 रुपये इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले आपको था कि यहाँ पे UPI पिन का इंटर करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे UPI पिन इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको जो भी आप UPI पिन बनाए हैं आप इंटर कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे UPI पिन मैं अपना इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एरो का निशान आपको दिख रहा होगा, तो
तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मेरा यहाँ पे डन हो चुका है। जैसे कि पेमेंट डन हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से आप अपने रिंग पे लेटर का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू होम पे पेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी जीरो दिखा रहा था, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र किया तो मेरा 10 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में अभी अभी ट्रांजेक्शन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी ट्रांसफ़र किया हूँ, जो यहाँ पे हिस्ट्री आप ट्रांजेक्शन डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिंग पे लेटर को पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।